जेड़ा ना मसाला वो हो गया बिल्कुल रेडी। तो हूँ जी इन्हें दही पाने तो फिर इनू काढ़ लें। हाँ जी सारी दही है ना वो पाती गई है तो हूँ इन और हज़ार निम तो साथ वीडियो का आगाज करता हूँ। मैं थोड़ा अपना बहादुर शेर तुसी मेरे चैनल बख्तू ब्लॉग यूट्यूब चैनल बख्तू ब्लॉग के नाम से और मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है ताकि मेरा हौसला अफजाई हो कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ। तो इसलिए जी आज जरा ना झाड़ू मशीन जी अम्मी जान जी ला रही है तुम इस दिन जरा ना सुबह सुबह ना जी जी ना सूरज अपनी किरणा वो भी कर रहा है क्योंकि ना सुबह सुबह जो झाड़ू जरा वो लाना चाहिए होंगे क्योंकि फिर कच्चा वेड़ा है तो इस वास्ते जी ना हाँ जी इस तरह जी जो झाड़ू लाना चाहिए। हाँ जी ये सारा जरा सू घर है ना वो साफ करना पैना क्योंकि फिर जो घर साफ करना पैदा और रह गई तो हम मैं जरा ना वह कराँगा क्योंकि अम्मी जान जी ना उधरों फिर बुढ़ा बंदा तो इस वास्ते जी ना उधरों सफाई जी ना उन्हें कर लेनी है उन्हें उधरों कर ली तो मैं हूँ जी ना इधरों कर लगा क्योंकि फिर जरा कारोबार रल मिल के करना चाहिए फिर जी अम्मी जान ना फिर गम भी होया तो फिर थोड़ा सा जी तो फिर इन्ना भी काम उन्हें को नहीं होंगे क्योंकि फिर ना माँ है तो इस वास्ते फिर मैं क्या चलो मैं थोड़ी हेल्प कर दिना। क्योंकि ना जो है ना अगे नो जो काम खराब करती पी क्योंकि जो पौधे ना वो बिल्कुल बेकार कर रही है टेप जी ला दें अगे मैं टेप लाई सी क्योंकि ना जो इस्तेमाल वास्ते थलो तुम इस दोगे ना बिल्कुल ही बेकार कर दिता इस पौधा। हाँ जी तुम इस दोगे ना हाँ जी तुम इस दो कि थलो जो ना पौधा बिल्कुल ही बेकार करता सू क्योंकि फिर जो ना टेम वाली सी क्योंकि मैं क्या बाद चवेगा लेकिन ये पहले ही हो गया अल्लाह की कुदरत बेशक है तो यह भी होया रहा है इनू अजे नहीं लाना क्योंकि यह साडा फुल हो गया सी तो इस वास्ते ला जी तो सारी दाप फोटे आई है अगे इस दातरी ना मेरा बेटा पुट्ठे वड्डा मैनू आप पुट्ठे वड्डन की बड़ी शौक आई मैं आप बड़े डंगर पाल दी आई हूँ जी तबीयत कमजोर हो गई रह चुकी हूँ बेटा भी कारोबार ही छड़ गया अब जी दब ना क्योंकि साढ़े ना जी बाहर खेती बाड़ी है ना वो नाल ही साढ़े तकरीबन है क्योंकि ना साढ़े नाल जी फसल है ना वो आलू दी हैगी तुसीं वेख सकदे हो कि ना तो इस वास्ते नाल जी जी आ खड़ी है ना इनू कहने असीं दब दबड़ी पंजाबी च कहने दबड़ी तो ये जी नाल कंध भी हैगी तो थलों जी ना ये निकल आती है जड़ा जड़िया ने ये बहुत ज़्यादा जड़िया लम्बिया होंगे ने तो इस वास्ते जी आलिया अम्मी जान ने तो हूँ जरा है ना जी जरा ना नाश्ता वो भी हूँ बुलावन लाने क्योंकि अम्मी जान जी ना वेली हो गई है तो आन लगी है तो हूँ नाश्ते जो इंतजाम है वह हो गया जी। सलाम सर क्या हाल है ठीक ठाक रहिए तो और सुनाए घर बार ठीक है ठीक ठाक अल्लाह शी कर कर रहे हो की आजकल बस व्लॉग ही बना रहे तू सुनाओ की आजकल कर रहे हो अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया ना और सुनाओ काम कुम कर रहे हैं जनाब हाँ जी अल्लाह का शुक्र है काम ठीक जा रहा है हाँ जी और तू सुना बस फिट फाट और कोई नवी ताजी बस नवी नवी कोई और सुनाओ कोई नवी ताजी घर बार सारी खैर खरीत है ओ शुक्र है व्यापार कर रहे हैं जी टोल पीटर ले रहे हैं दे रहे हैं बेच रहे हैं हाँ जी अल्लाह का शुक्र है सोना काम चल रहा है हाँ जी आप जी रोजी बच्चों वास्ते कमा रहे हैं अल्लाह का शुक्र है मेहरबानी पाई जान करी हाँ जी थानू दिखाना चाहना क्योंकि ना अगे ना इन दिन बहुत समा मेरे जो भाई से ना मेरा भाई वड्डा सी आलम शेर उनका इन दिन बहुत ही समा गुजरिया क्योंकि ना इस वास्ते जी ना क्योंकि फिर ये एक काम करते सन वो भी पीटर बुलाता सी तो ये पीटर का काम करता जनरेटर पीटर हूँ जी उन्हें जो काम वो भी करता सी तो ये भी करता सी तो फिर तल्लुकात जो ना वो पहले तो ही वाह काफ़ी अच्छे बने हुए हैं तो इस वास्ते जी तो हूँ ना जी रास्ते जो वास्ते ना उन्हें वास्ते ना जो ताने उच्चे शिखरे डर में जो पट रहा तुम वेख सकते हो कि ना
बस इतने सानू काफ़ी नहीं तो हम जा रहे हैं जी इधर उधर जाने हैं जी हम निकलने हैं जी घर नू बैठने हैं क्योंकि इतने तो हम सारा जरा मतलब है पूरा हो गया है। हाँ जी रास्ता भी थोड़ा जहाँ बहुत ही खतरनाक है इस वास्ते जी ना बहुत ही मुश्किल ना जरा गुजर वो हो रहा है। वाल घर को बहन दे पे हैं जी हाँ जी अब जो रास्ता है वो हम जो मुझे ना वो अच्छा मिल गया क्योंकि पहले जो रास्ता था ना वो बहुत ही ख़राब था और बहुत ही खौफनाक था तो इसलिए ये रास्ता जो मुझे ना बहुत ही अच्छा मिल गया तो अभी मैं जा रहा हूँ मैं ते जेड़े ना दरवाज़ा खुले सी ते इस वास्ते कोई खड़खड़ाने की कोई जरूरत नहीं पाई ते अम्मी जान जेड़ी ना वो नाश्ते जेड़ा इंतजाम कर रही होनी है क्योंकि आटा उटा जेड़ा ना वो गुन रही होनी है। हाँ जी अम्मी जान क्या कर रहे हो? हाँ जी ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आप खाने इसको। हाँ जी धनिया लेकर आया हूँ और इसको ना दो दोरी जो डंडा ना उसके साथ इसको ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੁੱਟ ਦਿਓ ਕੁੱਟ ਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਟਾ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਾ ਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਿਆ ਸਾਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਛੀ ਹਾਂਜੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੌਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਧੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਓ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੂਧੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਈਏ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਕਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮਜਾਨੇ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਲੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਰੀ 'ਚ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ
ते हुण जिहड़ी इहनां दे दही पाउणे आ ते फिर इहनूं कढ लैणे आ। हाँ जी साड़ी दही है ना वह पा दी गई है तो हूँ इन अपने देसी जवान पिंडा थावां ते ना ये मौजूद बहुत ही आसानी मिल जाते हैं क्योंकि ना जी घर की दलिया होंगी घर की दही होंगी ना इनका जी बहुत ही लजीजा खाना मिलता नाल जी चोपड़ी हुई रोटी होगी घी की बहुत ही लजीजा खाना आटे जो पेड़ा है ना वो किया जा रहा अमीजान जी पेड़ा कर रही है तो एक रोटी जी सा उत्ते पई है वो रेडी होने वाली है माशाल्लाह जी तो थे साढ़े को जी अग है वो भी मौजूद एड्डी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो सा बालन है ना वो गया है मुक्क क्योंकि चीज़ जी हो जाती है ना मुक्क वो हो गया सा जो सा बालन है वो गया जी मुक्क माशाल्लाह जी डैडी परिंदे नू भी मौजूद हैं जो साढ़े जे नाल जो खाना खावन जे कौवे या लालिया परिंदे जो भी चीज़ा आदि ने अपना खाना जो रिजक है ना उन्हों का रब अल्लाह ताला ने ना जो ना उन्हों का जो खाना पीना ना वो साड़ी किस्मत लिख दिता हों से उन्होंने पा दें तो अल्लाह ताला की निमता दे नाल वो खा जाते हैं तो आपका जो पेट पूजा आप कर लें तो असं भी पेट पूजा कर रहे अल्लाह का शुक्र है जी अल्लाह ताला दे रहा है नाल जिहड़ा ना वो आ गया साढ़े के रेडी हो गए माशाल्लाह तुसीं वेख सकदे हो कि पराठा किड्डा खूबसूरत बनाया गया अम्मी जान ने बनाया है ना अपनी जी चटनी वो अपने हिस्से में ले लेना रोटी उत्ते रखनी क्योंकि ये जो रोटी उत्ते रखे ना ये ज़्यादा लजीजा हो जाती क्योंकि इन्नी जी ज़्यादा लजीजा नहीं होंगी क्योंकि कौली पाक खाइए तो हाँ जी इस तरह जी नवाला ले लिया बहुत ही बेहतरीन बनी है साथ में बिस्मिल्लाह जी खाना चाहते हो खा सकते हो विजिट कर सकते हो दिल की थक रहे खुशामद कहने जी तो एक किरी बारे आ सकते हो कि खा सकते हो।